friends, today we have with us Sahil Uppal and Sangeeta Chauhan, also known as Kunal and Meghna from Colors TV show Swabhiman. Both of them did a fun and exclusive interview with India Forums. Take a look. Tell us something about your off-screen bonds and describe each other. बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से. कौन बात करेगा? देख लिया. ऐसी है बस हमारी केमिस्ट्री. ऐसी है, बिल्कुल ऐसी कि ये अभी मैं इसको ना मार सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, ऐसा हाँ, एक सेकंड एक सेकंड. हाँ ठीक है, दोस्ती तो ठीक है, मारने का कुछ ज्यादा इसमें ना लूज हो गई है, बहुत मारती है यार मेरे को एक्चुअली. पता क्या प्रॉब्लम? इसकी इतनी टांग खींचता हूँ ना, इसके पास कोई आंसर नहीं होता बोलने का, यू नो रिप्लाई नहीं होती, डफर है थोड़ी. कितना बोल रहा था, है किसके पास रिप्लाई? वो भी ऐसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं. और इसके पास कोई रिप्लाई नहीं होता, बस एक मार देती है बस, और कुछ नहीं. Really? चलो. ऐसा लगा तो नहीं अभी. Next question. Your favorite brands? चाहे तो कोई जवाब नहीं है. सारा? हाँ बोल दे. Say yes. Simple, इतना कहना था. She's not a brand conscious person. अबे हाँ यार, इसको तो कोई brand नहीं पसंद. हाँ मतलब आपने brand नहीं चाहा. पसंद नहीं है. But मैं इतना brand. हाँ she's not brand conscious. ये तो मुझे पता था. तो फिर? उन्होंने brand पूछा तो मैंने बोल दिया यार. समझ में आ गया बेटा कौन डफर है कौन इंटेलिजेंट है. समझ आ गई, अब से मत बोलना. ये हमेशा मुझे डफर डफर बोलता रहता है और ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है. ऐसा है कुछ नहीं, प्रूफ हो चुका है. सुनिए डिसलाइक और लाइक्स की बात है, ठीक है? ये जवाब देने की बात है, ठीक है? अच्छा ठीक है. मैंने खुद ही बोल दिया. नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मुझे याद आया ये दोनों लड़के समृद्धन साहिल कृति को लेके चलना ज़ारा चलते हैं शॉपिंग करने. कृति हमारी डिजाइनर है, ड्रेस स्टाइलिस्ट. तो राइट एकदम बहुत ऑब्जर्व करती है अच्छा. अगर कृति के साथ ज़ारा में शॉपिंग करने जाओ तो, और मैंने 3 या 4 बार सुना है, दैट्स व्हाई आई नो शी इज वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है. थैंक यू. ये रिकॉर्ड हुआ है. हाँ, जब भी मुझे बोलेगा ना मैं डफर हूँ या मेरे को मैं स्लो हूँ या मैं बंटी हूँ, मैं तेरे को यही दिखाने वाली हूँ. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. कुणाल मेघना के बारे में तो सब कुछ ही जानता है, अब साहिल संगीता के बारे में कितना जानता है वो तो मुश्किल होगा. देखो पूछो कुछ, देखते हैं. जानती तो मैं भी नहीं हूँ साहिल के बारे में. या हाँ, इसे गुजराती खाना बहुत पसंद है ना? राइट सी, मुझे ना खाना बहुत पसंद है. गुजराती खा, मुझे साउथ इंडियन गुजराती पंजाबी बट मोस्टली तो गुजराती खा रही हूं जब भी मैं देखता हूं. वैसा बनता है हमारे. हां तो मतलब देखा, लेकिन पसंद क्या है वो तो अलग बात है ना. नहीं पसंद मतलब राजमा चावल इज माय फेवरेट. कितनी बार बोला मैंने. हां राजमा चावल. आपने ये नहीं पूछा कि फेवरेट क्या है, ठीक है? आपने पूछा क्या पसंद है. फेवरेट इज समथिंग एल्स. खाना बहुत खाती है, मैं इससे भी ज्यादा डाइट है इसकी. चल चुप है, मुझे पता है. तो पूरे सेट पर सबको ही पता है. अगर खाने की बात है, इसका फेवरेट बटर चिकन. उसके अलावा ये बस क्या आगे लाइट लाइट खुश खुश रहता है. और हाँ ये बहुत ज़्यादा बातें करता नहीं है, धीरे धीरे ओपन अप होता है लोगों के साथ. इंट्रोवर्ट है, थोड़ा शाय है. और एक बार बदतमीजी शुरू, मतलब बातें शुरू करता बदतमीजी हो जाता है. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मतलब ये ही टेक्स टाइम बट जब एक बार फ्रेंडली हो गया ना, उसके बाद में बस आप यही एक्सपेक्ट करो कि साहिल आसपास है तो मस्ती होनी है. मतलब पंगे लेता रहता है, पंगे लेता रहता है, तभी इट्स फन ना, अदरवाइज शूट गेट्स बोरिंग. बट गुस्से ले भाई, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है. अगर स्पॉट दादा ने बात 2 या 3 बार में नहीं सुने ना, स्पॉट दादा नहीं नहीं ऐसे नहीं, सही चीजों पर गुस्सा आता है. ऐसे चीजों पर मैं नहीं बोल रही कि गलत चीजों पर भड़कता है. जैसे अगर डायलॉग चल रहा है और 2 या 3 बार बोला, बॉस प्लीज आवाज मत करो, डायलॉग के बीच में रुक कर बोलेगा आवाज मत करो, आवाज मत करो. मुझे उससे बहुत इरिटेशन, उससे बहुत चिढ़ होती है. बहुत पानी पीता है इसे. आई मीन वो अच्छी चीज़ है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है. हाँ ये है कि इसके बहाने मेरी भी आदत हो गई है. वाटर इंटेक बढ़ गया, वाटर इंटेक बढ़ गया. बोल बेटा थैंक्स. बोल रही हूँ ना इसके बहाने तो थैंक यू. यू वेलकम. उछल मत ज़्यादा. तो ये कुछ चीज़ें थी जो जनरली होती रहती है. हो गया उछल. व्हाट वाज दैट? योर हॉबीज? इसको कबड्डी खेलना बहुत पसंद है.
अभी नाम लो हुतुतु शुरू हो जाएगी. बहुत सही खेलती है. आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? बकवास. इसकी हॉबीज हेडफोन लगा के लोगों से लड़ना. गाने वाने सुनती रहती है बहुत हेडफोन लगा के. हाँ वही है जो शूट पे तो वही करते हुए देखे मैंने इसको. ट्विटर बहुत एक्टिव है ट्विटर पे. अभी अभी हो गई हूँ थैंक्स टू हिम एंड इंस्टा पे बिकॉज ऑफ अंकिता. तो ये जो दो चीज़ों की अब आदत लगी है वो इसके और अंकिता की वजह से. जी जी इसको ना ड्राइविंग बहुत बहुत पसंद है. तो इज अ कार क्रेजी पर्सन. तो एक तो वो हो गई. दूसरा क्या? खाना. आई विल टेक अ बाइट बोल के बहुत सारा खाता है. आई थिंक ही इज अ फूडी. ये मेरा बहुत मजाक बन गया यार ये वाला. एक ही मैं बोलता हूँ आई जस्ट टेक अ बाइट और मैं सारा खा जाता हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाता बट ज्यादा खा लेना. एक बाइट मतलब एक बाइट होती है राइट. आगे से बेटा कुछ नहीं खाऊंगा तेरे टिफिन में से. ठीक है ये बात तो आशिका पता है. पूछ रहा हूं किसी दिन. आशिका जो मेरी बहन लेकर बहन जो इनके फिक्र ख्याति. योर फेवरेट कलर? अब ये तो मैंने बताया था. ये नहीं पता होगा ना तो तू गया. ऑप्शन देना है. मैं क्या ऑप्शन दूं? अभी तुझे पूछा है. न्यूजीलैंड आई थिंक मैं जाना चाहता है for adventure activities and pata hai sab pata hai sab ki nahi nahi right correct memory sharp nepal are you tune bataya tha mujhe jana hai maine kab bataya tha nepal tujhe wahan ke log bahut pasand hai aisa tune bola tha are you mad shaadi karne shayad wahi jayegi nepal ho sakta hai just trying to be funny no has lete told me aap log has rahe hain ek baar has ke dikha वो वाली हंसी करना जो फेमस है बहुत. नहीं वो लोग ये सब सुन ये लोग सब सुनते रहते हैं बार बार. ये डर जाएंगे लोग बच्चे बच्चे डर जाएंगे. जी जी इसने अभी तक मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं बताया. लाइक सीरियसली कोई बीच वाला कुछ ऐसा है ना मतलब पानी ब्लू है पानी पानी राइट सही ऐसा नो ना. अब जगह क्या बताऊं मैं? ग्रीस. महंगी जगह ग्रीस. शकल नेपाल वाली डेस्टिनेशन को ग्रीस चाहिए. सीरियसली तो ऐसी बात बोल सकता है? तूने भी बहुत कुछ बोला है ठीक है. इसकी शकल से जब ये उत्तराखंड की शकल लेके घूम रहा है न्यूजीलैंड जाना है. उत्तराखंड वाली शकल है. एक बात देखो ध्यान से देखो. हो गया सीख रही है लड़की. अ मैसेज फॉर ईच अदर. मेरा गिफ्ट क्या है? यार एक सेकंड. बेसिकली होता है लड़कियां ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं. लड़के थोड़े केयरलेस टाइप होते हैं ना कि हां बोल दिया सुन लिया अच्छा और तू बता क्या हो रहा है. तो मेरे साथ वैसे ही हुआ है बस. एक मिनट. हां किसने बोला ऐसा? ऐसा होता है सब नहीं होता नहीं, क्या बंदे हैं सबको दिमाग सेम मिला है. अरे इट्स नॉट अबाउट दिमाग इट्स अबाउट बीइंग केयरलेस एंड बीइंग ऑब्जर्वेंट दैट इज द डिफरेंस. लड़कियां होती हैं बहुत ध्यान से सब कुछ देखती हैं सुनती हैं. जस्ट अग्री. आई एम लाइक दैट. आई अग्री. या यू आर अ गर्ल राइट? नो ये तो हमें दूसरा शो शक्ति चल रहेगा. ये दिस इज नॉट शक्ति दिस इज स्वामी मां. स्टॉप इट. नहीं वो बात नहीं है. मैं थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्वेंट हूं. यार ये स्वामी मां है दिस. सी साहिल आई हेट यू राइट. डिटो डिटो. तू ही दे दे अभी ये भी तू ही बोल दे जा. मैं नहीं बोलूंगी. अरे सॉरी यार. आई एम नॉट सॉरी. सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी. काय का सॉरी? क्यों सॉरी? मैसेज फॉर ईच अदर. फॉर ईच अदर वही बोला यार. इतना हैरान होने वाली बात है. मैंने बोला ना आई हेट यू. आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. नहीं एक अच्छा मैसेज बोल देना ठीक है यार. इट्स ऑल फन एंड गेम्स राइट. मजाक कर रहा हूं मैं. कुछ अच्छा बोल जल्दी. कुछ अच्छा बोल जल्दी. साहिल एक्चुअली बहुत शरीफ अच्छा सब स्वीट सा लड़का है.
दोस्ती करने लायक मस्त दोस्त हो गया, वो बहुत अच्छी बात है. एंड आई जस्ट आई होप ये दोस्ती ऐसी हमेशा बनी रहे, कायम रहे सालों साल. जी, और संगीता के लिए ये बहुत अच्छी लड़की है, सिंसियर लड़की है, हमेशा बोलता हूँ मैं. एक मिनट, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा इस इंटरव्यू में, ये बहुत बहुत सिंसियर है. कितने भी बड़े डायलॉग्स हो, कुछ भी हो, अगर इसने नहीं भी हुआ है वहाँ पे, तो सेट पे आगे 5 मिनट में दो दो पेज यूं याद कर लेता है और मस्त सीन. आई मीन मैं उस बार हुआ यार, ज्यादा मत बोल. अरे लेकिन हुआ है ना. सो है ये बात साहिल के बारे में, और सिंसियर है, बहुत सिंसियर. हाँ, तो ये भी सिंसियर है काफ़ी, और मतलब अच्छी बॉन्डिंग है हमारी यार, दोस्त वाली है, तो इट्स गुड फन एंड गेम्स. ना कहीं होता ना कि कोई को एक्टर तुम्हारा जो थोड़ा सड़ू हो या ढंग से बात ना करता हो, एटीट्यूड दिखा, वैसे क्यों होती ना, तो ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करता अभी यहां पे. तो मैं मेरे में एटीट्यूड कम है या मैं दिखा रहा चल चल निकल, समझा? हाँ, तो इट्स ऑलवेज गुड फन एंड गेम्स अब होती रहती है सेट पे, कभी टांग खींचती रहती है. एक आधा प्रैंक किसने मेरे साथ खेला जिसका बदला मुझे लेना है इससे, जो बहुत भारी प्रैंक था. अरे सीन के बीच में सर ने आके मुझे कहा, सर ने उनके असिस्टेंट को भेजा, बोला संगीता को बोल के सीन में जब वो ये डायलॉग बोले तो उसको थप्पड़ मार देना. बेसिकली डायलॉग ये था, कम ऑन किस मी आई एम वेटिंग, ओके तुम जाओगी, तुम किस दिए बिना नहीं जाओगी, कम ऑन यू वेटिंग. फटाक थप्पड़ पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड थप्पड़, वो भी इसका हाथ देख लो एक बार, इसका साइज तो देखो. मैं मार के बताती हूं. अच्छा, तो मतलब वो तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, जो इसने थप्पड़ मारा ना मुझे, इसका बदला भी मैं लूंगा. जी जी जी, बहुत इतना हल्का सा थप्पड़ था, तुम हल्का भाई अपना हाथ देख, हल्का जितना आप लोग प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैसेजेस आते हैं, ट्वीट्स आते हैं. काफ़ी लोग बहुत अच्छा अच्छा लिख देते हैं, इतना तो मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इतने कम टाइम में तो वी फील really motivated after reading all that. So please keep sending us all your love, and hum aise hi mehnat karte rahenge, acche se perform karte rahenge aur aapko entertain karte rahenge. Ji ji, we hope that you guys enjoyed this segment, and if you did, comment below and let us know, and don't forget for more updates on your favorite stars, like, share and subscribe on YouTube, Twitter, forums. Addiction at its best. Hi, my name is Sahil Uppal, and you're watching me on India Forums, so do subscribe their YouTube channel. Kajal Mishra, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.